आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के बाद जो ऑर्डर्स लाने हैं वो किस तरीके से हम ऑर्डर ला सकते हैं। तो मैं आपको जो ना एक स्टोर सेटअप करने के बाद जो हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहा तो उसके जो ना मैं आज आप लोगों को आज के दिन का रेवेन्यू दिखा देता हूँ और साथ ही साथ आज के दिन की स्पेंडिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने उसकी जो मार्केटिंग है ना वो हमने मेटा और टिकटॉक दोनों जगह जो है ना हमने उसकी मार्केटिंग की है। तो आज के दिन का रेवेन्यू दिखा देता हूँ और आज के दिन की स्पेंडिंग दोनों दिखा देता हूँ कि कितने ऑर्डर हमें रिसीव हो चुके हैं। तो क्योंकि हम लोग मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो कभी कभी दिल चाहता है कि वीडियो बना के आप लोगों के साथ वो स्टेट्स भी शेयर कर ली जाए। तो गाइस देर नहीं करते, फौरन से आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जो है गाइस ये है आज के दिन का रेवेन्यू, मैं आप लोगों को जो है इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं सपोज टुडे पे चले जाता हूँ, आप लोग गाइस इसका रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, 153,000 इसका रेवेन्यू हो चुका है। साथ ही साथ आज के ऑर्डर्स ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे ऑर्डर आज के दिन के रिसीव हो चुके हैं टुडे के, और हमें जो ऑर्डर वैल्यू वो 7,800 रुपये की एक ऑर्डर वैल्यू पड़ रही है। ठीक है, मैं आपको जो है ना अभी इसका जो है ना एड अकाउंट दिखा देता हूँ, ये आप लोग गाइस देख सकते हैं। मैं आपको ये यस्टरडे की सेल है, 18 ऑर्डर हमें रिसीव हो चुके थे, एक ऑर्डर 68 सेंट का हमें पड़ा है, और मैं आज के आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गाइस CPA जो है ना हमें जो अभी तक टोटल ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अभी तक इन दिनों में हमें रिसीव हो चुके हैं 24 ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं, 57 का हमें CPA पड़ा है, मतलब हमें $1 में 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं।